सॉरी बकवास तो मुझे पहले नहीं बता सकता था। मुझे लगा आंटी और पब्लिक घर नहीं है, तू हैंडल कर लेगा। तू पहले जाकर बीएमआई को हैंडल कर, मैं कुछ ठंडा लेकर आता हूं उनके लिए। पहले उस खाला आफत की परकाला को तो देख लूं, पता नहीं कहां फौत हो गई है वो। बीएमआई, जब तुम पैदा हुई थी ना तो नर्स ने इन्हीं हाथों में दिया था तुम्हें। I'm sorry भी अम्मा। और अब फिर इतनी बड़ी हो गई कि इन्हीं हाथों को जोड़ के अपने बाप से माफिया मंगवाना चाहती है। मुझे माफ कर दे भी अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कसम से सब कुछ मैंने बाबा की मोहब्बत में किया था, तो रातों से सोई नहीं हूँ मैं, इसलिए आपको यहाँ बुला लिया। वाह, बड़ी अना ना तुम्हारे अंदर। खुद नहीं आ सकी तो बूढ़ी दादी को बुलवाया कि वो आके माफी मांगे। वाह। ओह, मैंने मना किया था इसे घर आने से, ये तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी। क्यों, तुमने क्यों मना किया था? वो मुझे लगा अम्मी और भाभी को शायद इसका आना पसंद नहीं आएगा, और वैसे भी वहां कहाँ खुल के बात हो सकती थी। अच्छा, अब ये रोना बंद करो, अब रोने की जरूरत नहीं है। मैंने भी बस ऐसे दिल पर ले लिया था। नहीं, पहले आप मुझे माफ कर दे और घर चले मेरे साथ। अब्बा मियां ने भी कल से ढंग से खाना नहीं खाया, और बाबा और बिट्टू आपा भी बहुत अपसेट हैं। ठीक कह रही है मानो, वो आप ना गई तो बिट्टू आपा की शादी का मसला भी बीच में ही रह जाएगा। आपको पता तो है कल कितनी परेशान थी वो। मेरी खातिर ना सही, बिट्टू आपा की खातिर चले ना भी अम्मा, प्लीज। ठीक है, मगर एक शर्त पर जाऊंगी कि तुम्हारा बाप मुझसे वो चेक ले लेगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अच्छा, तो वहाँ सोऊंगी आज। साकी बनाया है। क्या हुआ चच्ची? डम्बू ना बाबा करके ले गया है। किसको? माँ जी को। और किसको? वो तो गौहर की तरफ लेके गए हैं ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे नहीं पता, मेरी सासू जी डॉक्टर हैं या रातों रात नर्सिंग का कोर्स किया है उन्होंने। टेंशन मत लेना, आ जाएंगी थोड़ी देर में। वो बेटा जी टेंशन का पहाड़ बैठा हुआ है वहाँ। है जबकि आंटी आई नहीं है। पिछले 3 घंटे में बड़े बड़े मग 3 पी चुकी हैं गुड़ वाली चाय के। मुझे तो लग रहा है कि डायबिटीज से इधर ही रेजिस्टेंट पीस ना हो जाए। खैरियत है? क्या कह रही है? माँ जी का वेट कर रही है। बिट्टू की शादी का स्यापा मुझे तो पता ही नहीं था। लड़के वाले जकिया आंटी के जा जाके अपनी जुतियाँ के सहारे है, और यहाँ हमारी साइड तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। हम तो अजीब मुसीबत में फंस गए। भी अम्मा वहाँ जाने को तैयार नहीं है, बाबा यहाँ आने को तैयार नहीं है। भाभी, एक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग की ना दुआ लेकर आया हूँ, अब इंशाल्लाह सब मसले हल हो जाएंगे। घर आ गया ना मेरा गोंगलू। माँ जी को कहाँ छोड़ के आया है? जकिया खाला की तरफ। जकिया खाला? हमारी जकिया आंटी वही ना, चौथी मोर वहाँ बैठी हुई है। वो कौन है जो पिछले 3 घंटे से मेरा भेजा फ्राई कर रही है? जकिया आंटी की रूह। पर मैं तो अभी अभी छोड़ के आया उनकी तरफ। कितना हसीन इत्तेफाक है, क्या पता जकिया आंटी और माँ जी पन छुपाई खेल रही हैं। शर्जीत आया की तरफ भेज दे उन्हें, सुना आज वहाँ जर्दा पका है। वॉच इट, देख रही हूँ तुझे मैं। तुम ना सबसे झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। बताओ क्या छुपा रहे हो? क्या झूठ बोला है मैंने? भी अम्मा को कहाँ छोड़ के आए हो? आपके महके में। हैं, तो काम शुरू हो गया मिशन इम्पॉसिबल पर। ऐसा वैसा, बस आपकी दुआएं चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, मुझे मानो भी यकीन नहीं है बिल्कुल भी। टेंशन ना ले, मैं हूं ना।